Everybody, welcome back to our channel, The Learning Junction. I'm your educator, Sakshi Sharma. And in this video, we are going to discuss voice, that is active and passive voice. So, active voice ko active kyun kaha jata hai? Kyunki isme jo subject hota hai, ye aapka kaam karta hua, aapko dikhta hai. Right? Jaise ki Ram loves dog. To isme aapka subject kya hai? Ram hai. And what does he do? He loves dog. Right? और पैसिव वॉइस को पैसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपका एज अ रिसीवर काम कर रहा है. दैट मीन्स जो भी वो वर्क कर रहा है इसमें आप दिखा रहे हो कि उसके द्वारा किया गया है. राइट? सो वो थोड़ा पैसिव फॉर्म में है. तो इसमें कैसे हो जाएगा? डॉग इज लव्ड बाय राम. डॉग हमारा ऑब्जेक्ट था, राम सब्जेक्ट था. तो अब यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है. लाइक ऑब्जेक्ट कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जो कि ये शो करता है कि ही इज पैसिव इन द मीनिंग ऑफ द सेंस. राइट? सो नेक्स्ट इज द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल. द मैसन इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. व्हाट इज ही, व्हाट डज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? ही इज बिल्डिंग द वॉल. वॉल बना रहा है, दैट मीन्स ये उसका ऑब्जेक्ट है और ये उसका वर्ब है. इज बिल्डिंग, दैट इट what does it mean? ये कौन से टेंस में है? ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो टेंसेज है वो आप चेंज नहीं करोगे. मतलब अगर वो प्रेजेंट में है तो पैसिव में भी वो प्रेजेंट में ही रहना चाहिए. अगर वो पास्ट में है तो आपका पैसिव फॉर्म में भी वो पास्ट में रहना चाहिए. सेम अप्लाई फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर में है तो आपका पैसिव फॉर्म भी क्या रहेगा? फ्यूचर में रहेगा. तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. The wall is being built by the mason. Right? Next is somebody has stolen my purse. Has stolen my purse. तो ये आ गया आपका present perfect. Right? तो इसमें भी हम क्या करेंगे? Object तो पहले रखेंगे. My purse has been stolen by somebody. Right? तो ये इसकी क्या होगी? Past form. Passive form आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पियोन ओपन द गेट. तो इसमें क्या है? द पियोन ये आपका सब्जेक्ट है. ओपन द गेट, ओपन आपका क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. दैट मीन्स ये आपका सिंपल पास्ट की फॉर्म में है. तो आप क्या करेंगे? द गेट. तो वो क्या कर रहा है? ही ओपन द गेट. उसने गेट ओपन किया है. सो इसको लिखोगे द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन. तो इन फॉर एग्जांपल्स में जैसे आपने देखा टेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है. जस्ट द वे ऑफ राइटिंग कि हम जब भी पैसिव में चेंज करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं.